बहुत शुक्रिया जनाब मोहतरम आसिफ जरदारी साहब। अल्लाह ताला आपको भी सेहत तंदरुस्ती अता फरमाए और खैर बरकत अता फरमाए। मेरी बहुत सारी दुआएं आपके लिए भी हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के लिए भी हैं। उनसे परसों बात करके मुझे बहुत खुशी हुई और बहुत अच्छी अच्छी हमारी बातें हुई और जिस प्यार मोहब्बत से उन्होंने मुझसे बात की मैं कभी नहीं भुलाऊंगा। मैं कॉन्फ्रेंस के मेज़बान जनाब आसिफ अली जरदारी साहब का और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का और मौलाना फजल रहमान साहब का और तमाम मुअज़्ज़ज़ कायदीन का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात कहने का आपने मौका फराहम किया। मैं वतन से दूर होते हुए भी अच्छी तरह जानता हूं कि वतन अजीज किन हालात से गुजर रहा है और अवाम किन मुश्किलात का शिकार है। ये कॉन्फ्रेंस नहायत ही अहम मौके पर मुनक्किद हो रही है, बल्कि मैं तो इसे एक फैसला कुन मोड़ समझता हूं। पाकिस्तान की खुशहाली और सही मानों में एक जमहूरी रियासत बनाने के लिए जरूरी है कि हम हर तरह की मसलियत छोड़कर अपनी तारीख पर नजर डालें और बेबाक फैसले करें, और आज नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे। मैं मौलाना फजल रहमान साहब की सोच से पूरी तरह मुत्तफिक हूं कि हमें रस्मी और रवायती तरीकों से हटकर इस कॉन्फ्रेंस को बामकसद बनाना होगा, वरना कौम को बहुत मायूसी होगी। और जो अभी ट्रेंड जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने सेट किया है, इसी को आगे लेके चलना है। आप सब जानते हैं कि 73 बरस से पाकिस्तान को किन मसाइल का सामना है। इन मसाइल की बुनियादी वजह सिर्फ और सिर्फ एक है, और मैं अपने तजुर्बे से बोल रहा हूं। मेरा भी तजुर्बा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में और पाकिस्तान की खिदमत में काफी ज्यादा है, और मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान को जो मैं वजह बताना चाह रहा हूं वो ये है कि पाकिस्तान को जमहूरी निजाम से मुसलसल महरूम रखा गया है। जमहूरियत की रूह अवाम की राय होती है, यानी मुल्क का इंतजाम वो लोग चलाएं जिन्हें अवाम अपने वोटों की अक्सरियत से ये हक दे। और हमारे आइन की इब्तदा भी इन्हीं अल्फाज से होती है कि अल्लाह ताला ही कायनात का हाकम मुतलक है, जिसका कोई शरीक नहीं। उसके तय करदा हदूद के अंदर रहते हुए पाकिस्तान के अवाम की तरफ से इस्तेमाल किया जाने वाला इख्तियार एक मुकद्दस अमानत का दर्जा रखता है। आईन के मुताबिक हमारे जमहूरी निजाम की बुनियाद अवाम की राय पर है। दुनिया भर की जमहूरियतों का यही उसूल है। जब जमहूरियत की इस बुनियाद पर जरब लगती है और वोट की इज्जत को पामाल कर दिया जाता है, तो सारा जमहूरी अमल बिल्कुल बेमानी और जाली होकर रह जाता है। जब अवाम के मुकद्दस अमानत में खयानत की जाती है और इंतखाबी अमल से पहले यह तय कर दिया जाता है कि किसको जिताना है और किसको हरवाना है, इंतखाबात में धांधली से मतलूबा नतायज
हासिल कर लिए जाते हैं और रही सही कसर हुकूमत साजी के लिए जोड़ तोड़ में निकाल दी जाती है, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस किस तरह से अवाम को धोखा दिया जाता है और अवामी मैंडेट कैसे चोरी किया जाता है। बदकिस्मती से पाकिस्तान को इस तरह के तजुर्बात की लेबोरेटरी बनाकर रख दिया गया है। अगर कभी अवाम की कोई नुमाइंदा हुकूमत बन भी गई तो उसे हर तरह की साजिश के जरिए से पहले बेअसर और फिर फारिग कर दिया जाता है। इसमें यह भी परवाह नहीं की जाती कि इससे रियासती ढांचा कमजोर होगा, अक्वामे आलम में जग हंसाई होगी और अवाम का रियासती इदारों पर से एतमाद उठ जाएगा। यह बात पाकिस्तान के बच्चे बच्चे की जुबान पर है कि 73 साल तारीख में एक बार भी किसी मुंतखब वज़ीर आज़म को अपनी 5 साल की आइनी मुद्दत पूरी नहीं करने दी गई। हर डिक्टेटर ने औसतन 9 साल गैर आइनी तौर पर हुकूमत की, जबकि अवाम के वोटों से मुंतखब वज़ीर आज़म को औसतन 2 साल से ज्यादा का अरसा शायद ही मिला हो। जर्नैलों की मुहिम जोई को रोकने के लिए 1973 के आइन में आर्टिकल 6 डाला गया, आर्टिकल 6, लेकिन उसके बाद भी 20 साल जर्नैली आमरियत के नजर हो गए। खवातीनों हजरात और जनाबे सदर, जब एक डिक्टेटर को आइन शिकनी के जुर्म में पहली बार अदालत के कटहरे में लाया गया तो आपने देखा क्या हुआ? क्या हुआ? मुझे यह कहते हुए दुख होता है कि जिस तरह हर माशाल्लाह को अदालतों ने जायज करार दिया, डिक्टेटर्स को आइन से खिलवाड़ करने का इख्तियार दिया, 3-3 सालों के लिए दिया, उसी तरह 2 बार आइन तोड़ने वाले को बरियत का सर्टिफिकेट भी अदालतों ही ने दिया। उसे एक दिन तो क्या, 1 घंटे के लिए भी जेल में ना डाला जा सका। पूरी दास्तान है मेरे पास जो किसी वक्त सुनाऊंगा कि कहां से कहां ले गए, जबकि आइन पर अमल करने वाले अभी तक कटहरों में खड़े हैं और जेलों में पड़े हैं। हमारी तारीख में तकरीबन 33 साल का अरसा फौजी आमरियत की नजर हो गया। यहां सिर्फ एक डिक्टेटर पर मुकदमा चला, खसूसी अदालत बनी, कार्रवाई हुई, उसे आइन और कानून के तहत सजा सुनाई गई, लेकिन क्या हुआ? मैं पूछना चाहता हूं क्या हुआ? क्या मुजरिम गिरफ्त में आ गया? क्या सजा मिली? ये सब तो दूर की बात, हुआ तो ये कि अदालती सिरे से गैर आइनी करार दे दी गई। यहां कोई ये अनहोनी बात नहीं, यानी पाकिस्तान में ये कोई अनहोनी बात नहीं कि किसी डिक्टेटर के बड़े से बड़े जुर्म पर भी कोई कार्रवाई ना हो, और अगर हो भी जाए तो कोई उसे छू भी ना सके, और अगर कोई फैसला आ भी जाए तो सिर्फ सजा ही नहीं अदालत को भी हवा में उड़ा दिया जाए। लेकिन आखिर कब तक? कब तक?
इसके बरक्स उन सियासतदानों को देखिए जो आवाम के वोटों से वजीर आजम बने, कोई कत्ल हो गया, कोई फांसी चढ़ गया, कोई हाईजैकर बन गया, चोर और गद्दार करार दे दिया गया, किसी को जलावतन कर दिया गया और कोई उम्र भर के लिए ना अहल हो गया। उनके गुनाह और सजाएं खत्म होने में आ ही नहीं रही। वो झूठे मुकदमात में अपनी माओं, अपनी बहनों, अपनी बेटियों के साथ पेशियां भुगत रहे हैं। दरअसल ये सलूक पाकिस्तान के अवाम के साथ किया जा रहा है और सजा भी पाकिस्तान के अवामी को मिल रही है। आप में से अक्सर को हुकूमत का भी तजुर्बा है। आप जानते हैं कि अवाम की हमायत से कोई जमहूरी हुकूमत बन जाए तो किस तरह उसके हाथ पांव बांध दिए जाते हैं और किस तरह अवामी नुमाइंदों की तजलील और तहकीर होती है, किस तरह किरदार कुशी का एक मुनज्जम सिलसिला शुरू हो जाता है, किस तरह कौमी मफाद के खिलाफ किसी सरगर्मी की निशानदेही करने पर उन्हें मुल्क दुश्मन और गद्दार करार दे दिया जाता है। खुलासा यह है कि यहां या तो माशाल्लाह होता है या फिर मुंतखब जमहूरी हुकूमत से कहीं ज्यादा ताकतवर पैरेलल यानी मुतवादी हुकूमत कायम हो जाती है, एक पैरेलल निजाम चलता है। गालिबन एक बार साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी साहब ने कहा था कि यहां स्टेट विदिन स्टेट कायम है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। दुख की बात यह है कि अब मामला स्टेट विदिन द स्टेट से आगे निकलकर स्टेट अबव द स्टेट तक जा पहुंचा है। अवाम के हक हुक्मरानी को तस्वीम ना करने और नतीजतन मुतवाजी यानी पैरेलल हुकूमत का मर्ज ही हमारी मुश्किलात का और हमारे मसाइल की असल जड़ है। दिस इज द रूट कॉज ऑफ आवर प्रॉब्लम्स। ये जड़ है हमारे मसाइल की और यही वजह है कि आलमी बरादरी में हमारी साख खत्म होकर रह गई। 2018 के इंतखाबात के बाद मुतादिद मुल्की और गैर मुल्की इदारों की तरफ से इंतखाबी अमल की शफाफियत पर सवालात उठाए गए। मैं तो जेल में था लेकिन खबरें मुझे सब मिलती रही हैं। बाज ने तो उन सीटों की तादाद भी बताई जहां धांधली की वजह से नतायज तब्दील कर दिए गए। उन हलकों की इतनी तादाद है कि अगर उनमें धांधली के जरिए नतायज तब्दील ना किए जाते तो बैसाखियों पर खड़ी ये हुकूमत कभी भी वजूद में नहीं आ सकती थी। आज कौम जिन हालात से दोचार है उसकी बुनियादी वजह वो लोग हैं जिन्होंने अवाम की राय के खिलाफ ना अहल हुक्मरानों को मुल्क पर मुसल्लत किया। इंतखाबात हाईजैक करके इक्तदार चंद लोगों को मुंतकिल कर देना बहुत बड़ी बददियानती और आइन शिकनी है। हम चंद रुपयों की खातिर डाका डालने वालों के लिए तो बड़ी से बड़ी सजा का तकाजा करते हैं लेकिन अवाम के हकूक पर डाका डालना कितना संगीन जुर्म है क्या किसी ने सोचा है? मुअज्जज ख्वातीनों हज़रात, क्या मैं ये पूछने की जिसारत कर सकता हूं कि 2018 के इंतखाबात में घंटों
आरटीएस क्यों बंद रखा गया? गिनती के दौरान पोलिंग एजेंट्स को क्यों निकाल बाहर किया गया? इंतखाबात में धांधली क्यों कर की गई? किसके कहने पर की गई? किसके लिए की गई और कौन से मफादात के लिए की गई? इसमें साबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को भी जवाब देना होगा, और जो लोग भी धांधली के जिम्मेदार हैं उन सबको हिसाब देना होगा। मोहतरम कायदीन कराम, जनाब चेयरमैन, इस नाहल हुकूमत ने 2 सालों में पाकिस्तान को कहां से कहां पहुंचा दिया है, इसका कोई अंदाजा कर सकता है? पाकिस्तान की मईशत बिल्कुल तबाह हो चुकी है, या जो कहते हैं ना कि पाकिस्तान की मईशत तबाह हो रही है, नहीं, बात उससे बहुत आगे चली गई है। पाकिस्तान की मईशत बिल्कुल तबाह हो चुकी है। 5.8% की शरह तरक्की से आगे बढ़ता हुआ पाकिस्तान आज 0 से भी नीचे जा चुका है। पाकिस्तानी रुपया भारत और बांग्लादेश ही नहीं, अफगानिस्तान और नेपाल से भी ज्यादा नीचे गिर चुका है। जिस महंगाई पर हमने मुकम्मल काबू पा लिया था वो आज कई गुना बढ़ चुकी है। गरीब और मुतवसित घरानों के लिए 2 वक्त की रोटी भी मुहाल हो चुकी है। बिजली और गैस के बिल अब आम आदमी पर बम बनकर गिरते हैं। आप कभी अंदाजा कीजिए, वाकईतन बम बन के गिरते हैं। पिछले 2 सालों में 1.5 करोड़ लोग गुर्बत की सतह से नीचे जा चुके हैं और 1 करोड़ नौकरियों का झांसा देने वाले 1.2 करोड़ लोगों का रोजगार छीन चुके हैं। इस नालायक हुकूमत ने हर मामले पर यू टर्न लिया है। आज सरमायाकारी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, सीपैक सख्त कंफ्यूजन का शिकार है, कर्जे खत्म कर देने का दावा करने वालों ने 2 साल की कलील मुद्दत में कर्जों में इतना इजाफा कर दिया है कि पिछले तमाम रिकॉर्ड टूट गए हैं। ये मैं फैक्ट्स और फिगर्स से सारी बात बता रहा हूं, और इसके बावजूद कोई एक भी बड़ा तरक्कियाती मंसूबा शुरू नहीं किया जा सका। वो पाकिस्तान जिसके बारे में बैन अक्वामी इदारे ये पेशगोई कर रहे थे कि अगले चंद साल में ये दुनिया की सबसे बड़ी 20 मईशतों यानी G20 में शामिल हो जाएगा, आज मुआशी तौर पर मफलूज होकर रह गया है। याद रखिए कि अगर पाकिस्तान में वोट को इज्जत ना मिली और कानून की हुकुमरानी ना आई तो ये मुल्क मुआशी तौर पर मफलूज ही रहेगा। और मैं खुले अल्फाज में ये वाजे कर देना चाहता हूं कि ऐसे ममालिक अपने दिफा के काबिल भी नहीं रहते, खास तौर पर उस वक्त जब आपके दुश्मन आपकी कमजोरियों का फायदा उठा रहे हों। खवातीनों हजरात, मुल्क बदअमनी, अफरा तफरी और जराइम का गढ़ बन चुका है। आए दिन ऐसी परेशान कुन खबरें आती रहती हैं जिनसे अवाम को अमनो अमान से मुतालिक दरपेश परेशानियों का अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है। शेखुपुरा सियालकोट रोड पर कौम की एक बेटी के साथ पेश आने वाला वाकया दिल दहला देता है। इस आने के बाद मजीद तकलीफ का बायस उस संग दिल पुलिस अफसर का है
जो बुनियादी इंसानी इकदार से भी महरूम है, उसका बड़ा अलमिया यह है कि हुकूमत की तमाम तर हमदर्दियां कौम की बेटी के बजाय अपने चहेते पुलिस अफसर के साथ है। जनाब चेयरमैन, पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया का छठा बड़ा मुल्क है, ज्योग्राफी एतबार से भी इंतहाई अहम है। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी बनाने का इख्तियार अवामी नुमाइंदों के पास होना चाहिए। हमारी खारजा पॉलिसी अवामी उमंगों और मुल्की मफादात से हरगिज मुतसादम नहीं होनी चाहिए। खरबों रुपए के नुकसान और हजारों जाने कुर्बान करने के बावजूद हम कभी फैटफ और कभी किसी और कटहरे में खड़े शर्मनाक सफाइयां पेश कर रहे होते हैं। जब कश्मीर का नाम जुबान पर आता है तो 73 साल से दी जाने वाली कुर्बानियां आंखों के सामने आ जाती हैं। कश्मीरी अवाम पर मजालिम का सिलसिला तो कई सालों से जारी है, मगर कश्मीर को हड़प करने का हौसला आज तक किसी का नहीं हुआ। अब भारत ने एक गैर नुमाइंदा और गैर मकबूल और कठपुतली पाकिस्तानी हुकूमत देखकर कश्मीर को अपना हिस्सा बना लिया है और हम एहतजाज भी न कर सके। दुनिया तो क्या अपने दोस्तों की हमायत भी ना हासिल कर सके? आखिर ऐसा क्यों है? क्यों हुआ ऐसे? क्यों हम आलमी तन्हाई का शिकार हो गए? क्यों आज हमारी बात दुनिया सुनने के लिए तैयार नहीं है? क्यों हमारे दरीना और शाना बशाना खड़े होने वाले साथी ममालिक क्यों हमसे दूर हो गए? शाह महमूद कुरैशी ने किस मंसूबे के तहत वो बयानात दिए जिनसे हमारे बेहतरीन दोस्त सऊदी अरब की दिल शिकनी हुई? पाकिस्तान को अपने दोस्त ममालिक की दिलदारी से एतराज करना चाहिए। ओआईसी एक अहम अदारा है जिसकी अफादियत तयशुदा है। पाकिस्तान ओआईसी के बानी ममालिक में शुमार होता है। पाकिस्तान को दीगर ममालिक के साथ मिलकर ओआईसी को मजबूत करना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि क्यों हमारे इंतहाई करीबी ममालिक भी आज हम पर एतमाद करना छोड़ गए। ये बहुत जो है ये फिक्र की बात है, लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए, इस पे जरूर गौर होना चाहिए। लेकिन क्या इस तरह की हुकूमत होगी तो फिर यही कुछ होगा और आपकी खारजा पॉलिसी को बच्चों का खेल बना के रख दिया गया है। खवातीनों, रात वक्त आ गया है कि इन तमाम सवालों के जवाब लिए जाएं। अगर इस कॉन्फ्रेंस में पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले दो वजीर आजम जनाब यूसुफ रजा गिलानी और जनाब राजा परवेज अशरफ साहब मौजूद हैं तो वो अच्छी तरह जानते हैं कि सिविल हुकूमत के गिर्द किस तरह के शिकंजे कस दिए जाते हैं, किस तरह ऐसी कार्रवाइयां हो जाती हैं जिनका वज़ीर आज़म को इल्म ही नहीं होता। खुद मोहतरम जरदारी साहब को भी इसका इल्म है कि ना वज़ीर आज़म को ना सदर को इल्म होता है और फिर उन कार्रवाइयों की भारी कीमत रियासत को अदा करनी पड़ती है। 4 साल पहले अक्टूबर 2016 में कौमी सलामती के अमूर पर बहस के दौरान जब तवज्जो दिलाई गई कि हमारे दोस्तों समेत दुनिया भर के ममालिक को हमसे शिकायत है
और हमें अपना एहतसाब खुद करते हुए ऐसे इकदामात करने चाहिए कि दुनिया हमारी तरफ उंगलियां ना उठाए, तो उसे डॉन लीक्स बना दिया गया। एजेंसियों के एहलकारों पर मुश्तमिल जेआईटी बनी, अंदाजा कीजिए जेआईटी बनी। सबूत तो किसी के खिलाफ कुछ ना था, लेकिन प्रोपेगंडा मशीनों के हाथों हमें और मुझे भी गद्दार और मुल्क दुश्मन ठहरा दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म के अहकामात को एक मातहत इदारे के अहलकार की तरफ से की गई ट्वीट में रिजेक्टेड यानी मुस्तरद का टाइटल अता कर दिया गया। आपको सब याद होगा, सीपैक को नाकाम बनाने का सिलसिला 2014 में उस वक्त शुरू हुआ जब धरनों के जरिए चीन के मुअज्जज सदर का दौरा मुलतवी करवा दिया गया। चीन हमारा दरीना और मुखलिस दोस्त है, जो पाकिस्तान के साथ हर मौके पर शाना बशाना खड़ा रहा। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करने में और सी पैक के हवाले से सदर शी जिनपिंग का किरदार काबिले तारीफ है। सी पैक का यह अजीम मंसूबा हुकूमत की उसी नाअहली की नजर हो रहा है जो जिंदगी के हर हर शोबे में नजर आ रही है। अगर मैं ये कहूं तो बेजाना होगा कि सी पैक के साथ पेशावर की बीआरटी जैसा सलूक हो रहा है, जहां कई साल बीत गए, मंसूबे से कई गुना ज्यादा रकम गर्क हो चुकी, मगर नतीजा आज भी नजरों से ओझल है। आए दिन कभी दौराने सफर बसों में आग लग जाती है, तो कभी बारिश नाकिस तामीर का पोल खोल कर रख देती है। यहां नैब के किरदार का जायजा लेना भी जरूरी है। सच्ची बात तो यह है कि एक डिक्टेटर के बनाए हुए इस इदारे को बरकरार रखना हमारी गलती थी, लेकिन यह भी सच है कि हमने कभी नहीं सोचा था कि यह इदारा इस हद तक गिर सकता है। ये इदारा नहीं बल्कि अंधे हुकूमती इंतकाम का आला कार बन चुका है। इसके कई सीनियर एहलकारों के घुनावने किरदार फाश हो चुके हैं। इस इदारे का चेयरमैन